नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं मधुबनी बिहार में हूं। मधुबनी आने का मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मैं मधुबनी आर्ट को नज़दीक से देखूं और समझूं। इस जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, इसको थाना मोड़ बोलते हैं। सामने जो टावर है ना, इसके ऊपर मधुबनी आर्ट का इस्तेमाल करके पूरी रामायण की कथा को दर्शाया गया। यहाँ से अंदर चल के मैं भी देखता हूँ और आपको भी आर्ट दिखाता हूँ। आप ये सामने सीता माता के स्वयंवर का सीन देख रहे हो। हम सब जानते हैं स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ा था। इस स्वयंवर में रावण भी आया था। कितने अच्छे से मधुबनी आर्ट के जरिए ये पूरे सीन को दर्शाया और ये पूरा दरबार लगा हुआ है। देखो ये दरवाजा यहाँ बंद है तो मैं आपको अंदर जाके तो पेंटिंग नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ से कैमरा पैन करके आपको दिखा देता हूँ। सामने जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये भगवान राम और सीता माता का पहली बार जो मिलन फूलर में हुआ था उसको दर्शा रही है। बहुत सुंदर। इसी पेंटिंग में आप नोटिस करेंगे सीता माता के पीछे उनकी सखी हैं और भगवान राम के पीछे उनके भाई लक्ष्मण जी हैं। अब मैं आपको सामने राजा जनक का हल जोतने वाला सीन दिखा रहा हूँ। नीचे जो घड़ा देख रहे हैं, उस घड़े के अंदर सीता माता का अवतार हुआ था। ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। जब हम नेपाल जाएंगे ना, अभी हमको जाना है, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे ये जगह जाकर आपको ये जगह दिखाएंगे, एक्चुअल सीन कहाँ का था। सामने की पेंटिंग देखकर हमें समझ में आ रहा है, राजा जनक के घर में जब सफाई हो रही थी तो सीता माता ने एक हाथ से धनुष उठाकर साइड में रख दिया था। राजा जनक देखकर हैरान हो गए कि मेरी पुत्री के अंदर इतना बल है तो जो इनका वर होगा वो भी इतना शक्तिशाली होना चाहिए। तो इसमें एक तो कचनी आर्ट का इस्तेमाल किया। कचनी आर्ट क्या होती है, ऐसा लाइन लाइन ड्रॉ करके पेंटिंग को बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये लाइंस ड्रॉ है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस है, ये कचनी आर्ट है। करेक्ट, ये भी कचनी आर्ट है। जहाँ पर स्ट्रेट लाइंस होंगी वो कचनी आर्ट है, जहाँ रंगों को भरा जाएगा वो भरनी है। अब उदाहरण के तौर पर ये देखिए जी, चेहरे के ऊपर रंग भरे गए हैं ना, ये भरनी है। आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, दाढ़ी बनाएगी ना, भरनी है। ये सारी पेंटिंग्स जो हम देख रहे हैं ये दुलारी देवी जी ने बनाई है, जो पद्मश्री अवार्डी हैं। कल मैं रात को उनके घर गया था, उनसे मैं मिलकर आया था। मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से ये पूरे सीन को जो दर्शाया है ना, काबिले तारीफ है। इस तरह के काम में ना कहीं पर भी कोई एरर का स्कोप नहीं है। अगर आपने कुछ भी ड्रॉ करते समय कहीं कुछ मिस्टेक कर दी तो देखने में वो कमी ऐसी निकल कर आएगी कि आपका एक्सप्रेशन लॉस हो जाएगा। अब इन पेंटिंग्स को मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे को एक्यूरेसी की लेवल बहुत हाई लग रही है कि अब यहाँ पर कोई मुझे समझा नहीं रहा कि आप ये सीन देखो, ये सीन है, मेरे को खुद ही समझ आ रहा है। मतलब ये पेंटिंग अपने आप ही बता रही है कि क्या सीन दिखाया जा रहा है। बीच में जो डॉट्स लगाते हैं, ये दिख रहे हो आप डॉट्स? अब ये इन्होंने ऐसा इधर कैसे किया तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब छोटे डॉट्स होते हैं तो क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली होती है ना, उसके आगे कॉटन लगा लेते हैं, उससे डॉट लगाते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है वही चीज़ इस्तेमाल किया हो। मज़ा आ गया। ये सारी पेंटिंग्स तो दुलारी देवी जी ने बनाई हैं, मैंने आपको बताया। फर्स्ट फ्लोर पे भी ऊपर पेंटिंग्स हैं, बाहर से दिखाई देती हैं। अब क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, ऊपर की पेंटिंग्स किसी और आर्टिस्ट ने बनाई हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये तो बीच की पेंटिंग्स होगी, वॉल्स में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, ये सब दिखाई देती है यहाँ पर। तो कुल मिला के हमारे मधुबनी में जो पेंटिंग हम देखने का काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत अच्छी हो गई है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से हम 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल विजिट करने जाएं, जहाँ पर बच्चों को पेंटिंग सिखाई जाती है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि 5 बजे तो स्कूल बंद हो जाता है और 4-4:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो हमें थोड़ा चांस लेना पड़ेगा। जैसे अभी 4:45 हुए हैं तो जाके देखते हैं, अगर स्कूल खुला होगा तो बहुत अच्छा, बंद हो गया होगा तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है, कल दोबारा आना है या क्या करना है। चलो चलते हैं। मैं मिथिला चित्रकालय पहुंच गया हूं। ये है जी इंस्टीट्यूट जहां पर बच्चों को मिथिला आर्ट सिखाई जाती है। आइए जी अंदर चलेंगे।
कल शाम के समय मेरी दुलारी देवी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अगर आप 4 बजे से पहले आ जाओगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगी कि बच्चे कैसे पेंटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ बच्चों को सिखाती हैं। अब एंटर करते ही ना वॉल के ऊपर देखो कितनी खूबसूरत मिथिला आर्ट दिखाई दे रही है। मैंने ना BTS एपिसोड में भी परीक्षण जी को इंट्रोड्यूस करवाया था, दुलारी देवी जी के ब्रदर हैं, तो इनकी मदद से हम ना मधुबनी घूम रहे हैं। हमें कहाँ पर जाना है? ऊपर ऊपर की तरफ। अच्छा, आज हमने ये पेंटिंग देखी थी ना, भगवान राम और सीता माँ का जयमाला का ये दृश्य है। हाँ जी नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आप लोग आप प्लीज़ प्लीज़ बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, मैं आपको दुलारी देवी जी के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आपको पद्मश्री अवार्ड 2021 में मिला था ना? पद्मश्री अवार्ड तो अपने आप में बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। बहुत मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने खुद पहली बार कब मधुबनी आर्ट पे काम करना स्टार्ट किया था? क्या उम्र रही होगी आपकी? हम लोग का छोटा में शादी हो गया 12 साल की उम्र में। बहुत छोटे थे हम लोग, इतना समझ नहीं पाते थे क्या होता है, क्या शादी में होता है, वो भी नहीं समझते थे हम लोग। 12 साल की उम्र में शादी कर दी, उसके बाद कुछ दिन ससुराल में रहे, उसके बाद घर चले आए तो अपना मायके में रह गए। यानी ऑलमोस्ट 13-14 साल की उम्र के आसपास आपने शुरू कर दिया था? नहीं, पहले मजदूर का काम करते थे, घर घर में बर्तन चौका करते थे, उन लोग का देखते थे, खास कर पद्मश्री महासुंदरी देवी और कर्पूरीधर देवी जो गुरु है, और महासुंदरी देवी घर में काम करते थे, 6 रुपया महीना देते थे वो, और कर्पूरी देवी जो छोटानी है, जेठ है महासुंदरी देवी और छोटानी है कर्पूरी देवी, तब उनके पास हम रह गए, तो उनके पास 25 साल रहे। वहीं पर आपने काम सीखा? जी जी, वहीं पर सीखे काम। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा देखिए क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपने मेरे को कल रात के समय भी बताया था कि इस कॉलेज में डिग्री कोर्स 3 साल का होता है और सर्टिफिकेट 6 महीना का। तो आप सब यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं कि डिग्री कोर्स कर रहे हैं? अच्छा, ये सर्टिफिकेट का बैच है पूरा। तो ऐसे कितने बैचेस हैं यहाँ पर? जैसे ये सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट के बैच है, डिग्री का अलग है, समझ गए, टोटल 5 बैच हो गया। ये कचनी बताया ना? हाँ, कचनी और भरनी। अच्छा, और ये क्या चीज है? ये कॉटन है? कॉटन। तो अंदाज में ये पूरा दुपट्टा तैयार होने में कितना समय लगेगा? कम से कम लगेगा आपको 1 हफ्ता। 1 हफ्ता जल्दी करेंगे तब, नहीं तो 15-20 दिन भी लग सकता है। अपना कितना समय दे रहे हो और प्रैक्टिस आपको कितना है? जी आपके ऊपर है। अच्छा, एक चीज थोड़ा और मैं यहाँ नोटिस कर रहा था, जैसे ब्रश चलाते हैं तो क्या पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, सीधा ब्रश से स्टार्ट कर देते हैं लाइन खींचना? नहीं, ब्रश से करते हैं, नया रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा पेंसिल पकड़ लेते हैं, ऐसे ब्रश से करते हैं। ये कचनी हो गया, और इसको मैं इसमें भरनी पड़ेगा, ये मछली में कचनी और भरनी पड़ेगा। तो भरने का हम जो मतलब समझते हैं कि अगर मान ली ये जो भी मछली का रंग है वो रंग आप भरेंगे तो भरनी हो गया। जी। लवली, बहुत खूब। अच्छा, आपने बॉर्डर रेड कलर से स्टार्ट किया? जी, रेड से दिया सब कुछ। हाँ, ऐसा भी होता होगा ना, सर्टिफिकेट कर लेने के बाद रुचि बनी रही तो फिर डिग्री कोर्स करते ही होंगे लोग? हाँ, आए हैं, क्योंकि डिग्री कर लिया तो आप मास्टर बन गए उस सब्जेक्ट के। बहुत बहुत खूब। तो ये जो पेंटिंग है ये पूरी तरह से कंप्लीट है या इसमें कुछ? नहीं, कुछ बाकी है। इसमें बाकी है? जी बाकी। बताओ, देखने में तो ये है। ये भी आपने बनाया? अभी कलर बाकी। तो जैसे अभी आप खुद ही सीख रहे हो सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर और आपने बेहतरीन पेंटिंग तैयार करी, तो कितना समय लगा आपको उसको तैयार करने में? ये लगा है 2 सप्ताह। लगा 2 सप्ताह लगा? बहुत बारीक काम। मैडम से पूछ पूछ के हम लोग बनाते हैं ना, कहीं गलत ना हो जाए ये मन में रहता है।
हाँ ये है। अच्छा मैंने एक चीज देखी, अगर ये पेंट करते समय अगर कुछ गलती हो गई तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये इसीलिए हम लोग, तो अगर नहीं सुधरे तो फिर आपको नए से शुरू करना पड़ेगा। इससे शुरू करना पड़ता है, इसलिए कुछ भी हम लोग बना। ये क्या है? ये भी मोरे है, पेड़ पे अपने बच्चे को खाना खिला रही, वो सीन है। अच्छा जी, देखो छोटा छोटा बच्चा, ये भी कितनी बारीकी से समझने वाली बात है। मोर अपने बच्चे है, मोर का वही, मोर अपने बच्चों को दाना, और ऊपर से सूरज, सूरज बहुत खूब। मैं तो देखो बाहर का हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मछली तो घूम फिर के आई जाती है, फेमस है ना, है ना? मतलब मछली, मछली माछ और माछ पान और मखान, ये मिथिलांचल का फेमस चीज है। माछ पान वो खाने वाला। अच्छा मुझे आज ही मालूम चला कि मखाने मधुबनी के बहुत ज्यादा फेमस है। मैं समझता था मखाने बोले तो दरभंगा। अच्छा आप लोग के यहाँ पगड़ी भी फेमस होता है ना? पाग, पाग और एक ये बन रहे हैं ना दुपट्टा, दुपट्टा ये हमारे मिथिलांचल के ऊपर। ये क्या है? ये पेंटिंग है। अच्छा ये कुछ पेंटिंग्स और भी हैं? ये कंप्लीट पेंटिंग्स हैं। थोड़ा आप में से कोई एक जन बता देंगे आप? ये है माता जानकी का चमका। इस टाइम मिथिला में अकाल पड़ा था, तो उस टाइम ने राजा जनक जी को उनके गुरु जी जो थे कुल गुरु, उनके कहने से जब वो हल चलाने के लिए आए थे, तो उस टाइम जब वो राजा जनक जी जब हल चला रहे थे खेतों में, तो उस टाइम ये मटका में अटका और ये हल, और फिर माता सीता की जन्म हुआ, वो पेंटिंग हुआ। तो आपको कितना समय लगा इस पेंटिंग को बनाने में? तीन चार दिन इसमें। अच्छा, क्योंकि अब आप डिग्री कोर्स में हो तो प्रैक्टिस आपका, वैसे देखा जाए चार दिन जैसे बता रहे हैं कि बना दिया मैंने, चार दिन भी कोई छोटी बात नहीं है, अति सुंदर। ये पेंटिंग मिथिला के परंपरा पेंटिंग है, जो पहले टाइम में मिथिला में बेटियों का विदाई डोली कहार में किया जाता था। तो किसमें किया जाता? डोली कहार में। वैसे एक बात बोलूं मैं, पेंटिंग्स तो आपकी बनाई हुई सारी अच्छी हैं, ये पेंटिंग देखकर तो मतलब इम्प्रेस हो गया। ये श्री गणेश जी का है पेंटिंग, जिसमें ये ढोल मतलब बजा रहे हैं और एक हाथों से डांडिया खेल नृत्य कर रहे हैं। अति सुंदर, क्रिएटिविटी की बात है, आपने कैसे इमेजिन किया। और ये पेपर है, ये क्या है? पेपर, पेपर हैंडमेड पेपर है। हैंडमेड पेपर जी सर। माता सीता और राम जी का जब स्वयंवर हुआ था, उस टाइम का ये पेंटिंग बना हुआ है। ये राधा कृष्ण जी है, राधा जी जब जमुना में जल भरने के लिए जा रहे थे ना, उस टाइम का ये पेंटिंग है। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो राधा पलट करके पीछे देख रहे थे, वो सीन अति सुंदर। अच्छा जैसे बच्चे यहाँ पर, आप डिग्री कोर्स कर रहे हो तो बना लेते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी होती है या घर ले जाते हैं? नहीं नहीं, ये मेरा अपना है, पर्सनल काम है, अपने जो घर पे किया। मुझे तो सारी पेंटिंग्स इतनी पसंद आ रही है, मेरा मन हो रहा है कि मेरे को भी अपने घर में लगा लेना चाहिए सारी पेंटिंग्स। बहुत अच्छा काम किया। तो ये कंप्लीट, अच्छा वो बड़ा भी है कैनवस पे? खोज रहे थे वो मिल गया, जो खोज रहे थे वो मिल गया। ओहो, मैं ये देखना चाह रहा था। सुबह से मेरे माइंड में ना एक सीन था, मिथिला का कोबर बोलते हैं ना इसको, कोबर। हाँ, एक तो हमको ये मालूम है, ये जो सर्कल है इसके बाहर छह सर्कल होते हैं, तीन इस तरफ, और इसमें ना एक बांस का पेड़ होता है, वो है बांस का पेड़ ऊपर में छोटा सा, कौन सा बांस का पेड़? ये है। तो ये क्या? केला। अच्छा, तो हर कोबर में एक केले का पेड़ होता है और एक बांस का पेड़ होता है। हम लोग मैथिली में बोलते हैं गीत होता है, इसमें हर चीज है, सांप है, बीच है, कौच है, नैना जो बिन है, तो सभी को साक्षी रख के जो शादी होता है। इसमें कमल का फूल जो होते हैं ना, उनका जो पत्ते होते हैं ना, वो जो मतलब एक लगाने से बहुत फैल जाते हैं डाली, इसीलिए ये लगाया जाता है, वंश में वृद्धि का प्रतीक होता है ये। जो एक टहन अगर तालाब में एक टहनी लगाते हैं, उससे सारे तालाब में ये पुरैनी के पात फैल जाते हैं, फूल फैल जाते हैं, इसीलिए ये एक एक पेड़ से इतना पत्ते निकले हैं और इतना डाली निकले। अच्छा, वो चीज दर्शाई गई है। एक गोदना पेंटिंग है, जो पहले हाथ में बनाते थे, गोदना गुदते थे, जैसे लोग टैटू करते हैं जी, अब पेपर पर आ गए हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि ये गोदना पेंटिंग है, हम कैसे पहचाने? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि गोदना में ये होता है तो हम उसको गोदना पेंटिंग बोलते हैं।
सर सबसे पहले मिथिला पेंटिंग से हट करके गोदना पेंटिंग का फेस कुछ अलग डिजाइन का होता है और मिथिला पेंटिंग का कुछ अलग डिजाइन का होता है। कैसे? जैसे कि इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, मिथिला पेंटिंग में ऐसे चेहरा है और गोदना पेंटिंग में इस ऐसे चेहरा फेस होता है। जैसे इसमें क्या हाथी कुछ फाइन आर्ट के हाथी दूसरे तरीके से होते हैं मिथिला पेंटिंग में, इसमें हाथी का फेस और सर्कल कुछ अलग डिजाइन में होते हैं। अच्छा। जैसे इसमें चिड़िया भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं, तो अलग डिजाइन का होता है इनका, इसीलिए ये मतलब इसका इसको गोदना पेंटिंग कहा गया। मैं अभी जो समझा हूँ, पुराने समय में लोग हाथ पे गोद कर पेंटिंग किया करते थे, इसीलिए नाम पड़ गया गोदना, और यहाँ पर वही काम कैनवास पे हो रहा है, कैनवास या पेपर पे अपना होता है। वैसे अभी तक जितनी पेंटिंग स्टाइल हमने देखी है ना, सब एक से एक बढ़कर है, तो ये कहना पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मेरे को ज़्यादा कौन सा पेंटिंग स्टाइल पसंद आया। किसी के लिए भी मुश्किल है क्योंकि हर पेंटिंग स्टाइल यूनिक है। तांत्रिक पेंटिंग स्टाइल आप हमें दिखा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे जीवन में पहली बार है मैं दो पद्मश्री अवार्डीज से मिल भी रहा हूँ और ऑब्वियसली आपको मिलवा भी रहा हूँ। दुलारी देवी जी से तो मेरी मुलाकात कल रात में हुई और आज हम दोबारा मिले, मैंने आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाया। इस समय बबुआ देवी जी हमारे साथ हैं। तो आप किस उम्र से ये काम कर रहे हैं मिथिला पेंटिंग बनाने का? मैं बचपना से कर रही हूँ, 12 साल की उम्र से कर रही हूँ। इसके बाद अभी जो है से मिथिला चित्रकला संस्थान में बच्चे लोग को सिखाती हूँ, बड़ी आचार्य के पद पर हूँ, 6 आदमी मैं हूँ मास्टर। अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, जब आप मिथिला पेंटिंग को 60 साल पहले के रूप में देखते हैं और आज के रूप में देखते हैं, तो कोई एक या दो चीज़ ऐसे बताइए जो आपको लगता है कि ये फ़र्क आ गया है 60 साल में। जैसे पहले क्या इतने लोग करते थे, अब ज़्यादा हैं, कम हैं, उस दृष्टि से? फर्क ज़्यादा अभी आ रहा है, पहले इतने काम नहीं थे मिथिला पेंटिंग पे, अब जो है सब बहुत अच्छी बन रहे हैं, बहुत ये जागरूक है, अभी बहुत अच्छा बन रहा है। आज के समय में बहुत सारा लोग को बहुत सहारा है इस चीज़ आने हैं, तो इसमें देखिए कितना लोग हैं, 4-5 क्लास चल रहे हैं, बहुत आदमी इच्छुक है सीखने के लिए, अब बनाते हैं बहुत आगे। बहुत अच्छा, अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। काफ़ी कुछ हमने आज मिथिला पेंटिंग के बारे में जाना। अब ना मेरे मन में है, मैं तांत्रिक पेंटिंग देखना चाहता हूँ और थोड़ा समझना चाहता हूँ कि पेंटिंग को देख के हम कैसे समझेंगे कि ये तांत्रिक पेंटिंग है, तो आप हमें इसमें हेल्प करेंगे? जी जी, क्यों नहीं। तो हम क्या करते हैं, आपके साथ दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पर पेंटिंग्स हैं। और आपको धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। संजय जी के पास ना तांत्रिक पेंटिंग्स अपने घर में है, तो इसी प्रेमिसेस में फैकल्टी रेजिडेंस है। कहाँ पर है आपका घर? ये फ्लैट 3। अच्छा जी। ये काली हैं और ये फ्री हैंड बनाया गया है, इसमें हम कुछ रंग नेचुरल यूज़ किए हैं, कुछ लोग जो केमिकल जो कलर हैं मार्केट के वो यूज़ किए हैं। ये इसमें स्टाइल जो है बबुआ देवी मैम का है, बबुआ देवी मैम के जो बॉर्डर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो हमने उसको चूँकि हम लोग साथ साथ ही हैं तो उसको हमने कोशिश किया है कि ऑब्जर्व करके फिर उसको। बड़ा नेचुरल पेंटिंग स्टाइल है। तो एक इसमें और ख़ास बात है कि हमारे यहाँ जो पेंटिंग्स देखेंगे ना, भरनी पेंटिंग्स, तो भरनी पेंटिंग्स में जो रंग दिखेंगे ना, ये मल्टी लेयर किया हुआ है, ये बोगा मैम का स्पेशलाइजेशन है। ये अर्धनारीश्वर गणेश हैं, संभवतः आपने ये स्वरूप नहीं देखा होगा, ये आधा गणेश स्त्री स्वरूप है, आधा स्त्री स्वरूप है। अर्धनारीश्वर गणेश जी, कहीं नहीं, ये गणेश पुराण में इसका उल्लेख है। तंत्र पेंटिंग्स के जो भी सब्जेक्ट बनते हैं, जो भी पेंटिंग्स बनते हैं, उसका कहीं ना कहीं शास्त्रीय आधार है, आप अपने ग्रंथों में उन श्लोकों को, उन स्तोत्रों को देख सकते हैं। तंत्र पेंटिंग के बारे में जो मैं अभी तक समझा हूँ कि तंत्र पेंटिंग कोई स्टाइल ऑफ पेंटिंग नहीं है, ये बेसिकली एक विषय है तंत्र का जी। उस विषय को ध्यान में रखते हुए मधुबनी या मिथिला स्टाइल पेंटिंग उस पर करी गई है जी, जी। इस प्रकार की पेंटिंग क्या प्राइस में मार्केट में मिलती है? देखिए, मेरी अब तक सबसे मैक्सिमम प्राइस गई है इस साइज में 1,00,000 रुपए तक की, हम 1,00,000 रुपए तक में इसको बेचते हैं। नॉर्मली हम इसको 30,000-40,000 से शुरू करते हैं, यानी 30-40,000 से 1,00,000, डिपेंडिंग अपॉन गहराई काम में कितनी है ये भी, और सामने वाला कहाँ है, कैसा है, क्या सोचता है। जैसे कि तंत्र में मेरी रुचि ये है कि जैसे आपके कोई इष्ट हैं, कोई देवी या देवता या कोई आपके
इष्ट, तो उनका कोई ध्यान या स्तोत्र आपके पास है, अगर वो आप हमको देते हैं तो हम उस पर आधारित वो पेंटिंग्स बना देते हैं। अच्छा जी, ये हमको मेरी गुरु कृपा है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि ये चीज़ें और कोई नहीं बनाता है, या भारत के रेयर कैटेगरी में आता है तंत्र पेंटिंग्स। हमारे मिथिला में मुश्किल से दो एक और कलाकार हैं जो जो इन चीज़ों को करते हैं। बहुत खूब, जैसे आप बता रहे हो ये बहुआ देवी मैम का स्टाइल है जी, तो इस स्टाइल में क्या डिफरेंट है? ये डिफरेंट जो बहुआ देवी मैम में एक खासियत क्या है कि ये इन्हीं रंगों का प्रयोग अधिक करती हुई, जिसमें ग्रीन महत्वपूर्ण है और ये गुलाबी महत्वपूर्ण है। जनरली आप इस कलर की पेंटिंग्स नहीं देखिएगा मिथिला में, बहुत कम लोग बनाते हैं। उसका कारण क्या है कि ये अगर हम एक लेयर बनाते हैं तो इसको आप जब तक दो या तीन लेयर नहीं करेंगे तब तक इस रंग में निखार नहीं आएगा, और जिसके कारण लोग इसे दूरी बना के रखते हैं कि कौन इतना टाइम इसमें लगाए। और ये ट्री है? ट्री ऑफ लाइफ। अच्छा, यह जल से हमारा जन्म शुरू होता है। जो हम दशा अवतार बनाते हैं तो मत्स्य अवतार पहले बनाते हैं, तो मत्स्य अवतार का मतलब ये होता है कि हमारा जन्म जल में है। हम गर्भ में भी, माँ के पेट में भी एक लिक्विड है, जिस लिक्विड में हमारा जन्म होता है, हम पलते बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप एक आइडिया ये भी दे दीजिए, उसका तो आपने आइडिया दे दिया, 30-40 हज़ार से स्टार्ट होता है इस प्रकार का। ये हम कम से कम 25 हज़ार में देंगे। मेरे पेंटिंग्स का साइज डिपेंड नहीं करता है रेट में। क्या बारीकी से काम किया? बारीक से काम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या टाइमिंग लगता है वो हम ही जानते हैं। ये महामृत्युंजय हैं और ये महामृत्युंजय का यंत्र बना हुआ है। यही पेंटिंग्स है जिस सब्जेक्ट पे हमको स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, 2016-17 का स्टेट अवार्ड हमको है। बहुत खूब, तो महामृत्युंजय का यंत्र के बारे में तो सब जानते ही हैं जी। ऐसा पेंटिंग होता है वैसे? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ये रेयर है। इससे पहले ये स्वरूप नहीं देखा गया है। इसके मंत्र हैं शिव पुराण में, सती खंड में इसका श्लोक है जिसमें इसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। हमने उस आधार पे ही इस पेंटिंग्स को बनाया। बहुत खूब संजय जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आपके काम की बारीकी देखकर तो बहुत अच्छा लगा। हम तो देखो प्रायर परमिशन लेकर आपके पास आए यहाँ पर, अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आना चाहे और विजिट करना चाहता है कैंपस, तो क्या ये अलाउड है? नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं। आप आके यहाँ ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, ऑफिस से आपको आदेश मिलेगा तो ही आप इसको विजिट कर सकते हैं। एक तरह से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अगर वो अलाउ कर दें तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ बच्चे होते हैं हॉस्टल्स में, लड़कियाँ हैं, तो इसलिए हम इन जनरल सबको अलाउ नहीं करते, और ऊपर से उनके काम में भी तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू, आप सबों का बहुत बहुत बढ़िया। हमारे होटल के रास्ते पे लेफ्ट हैंड साइड पे बंची शाह एंड सन स्वीट शॉप आई है। ये यहाँ की फेमस मिठाई की दुकान है। आपको आइडिया के तौर पे बता देता हूँ, थाना मोड़ आपने दोपहर में देखा था ना, वो यहाँ से पास ही है हार्डली आधा किलोमीटर, और वहाँ से हमारा होटल और आधा किलोमीटर दूर है। आइए जी अंदर चलते हैं और कुछ मीठे में खाएंगे। इस स्वीट शॉप के ओनर हमारे साथ खड़े हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये शॉप तो देखो इस जगह पे 8 साल से है, लेकिन इनकी पुरानी शॉप होती थी बेनी पट्टी पे, जो 1929 से थी, तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है ना। बेनी पट्टी कितनी दूर है यहाँ से? 22 किलोमीटर। यहाँ पर मैं रसगुल्ला खाने के लिए आया हूँ, तो एक ये गुड़ वाला रसगुल्ला है, और एक ये बता रहे हैं कि गुलाब जामुन है जो छेने से तैयार किया गया है। तो भैया आप मुझे ना दोनों एक एक दे दो खाने के लिए। लो जी गुड़ का रसगुल्ला देख लो जी कैसा दिखता है, और ये छेने से बना हुआ गुलाब जामुन। अच्छा, आपके यहाँ गुड़ से बना हुआ रसगुल्ला पूरा साल चलता है या सिर्फ ये सर्दियों के सीजन में? पूरा साल रहता है। अच्छा अच्छा टेस्ट है रसगुल्ले का। बाकी रसगुल्ले के अंदर जो स्पॉन्जीनेस खा के मजा आता है ना, वो फीलिंग फुल ऑन है। ये भी सही है। अभी क्या दो मीठा आइटम बैक टू बैक होगी ना, इन दोनों आइटम में ना मुझे ये ज्यादा स्वाद लग रहा है। चलिए भैया काट लो। हमने अपने होटल आ गए दीप ज्योति,
मैंने ना इनके रेस्टोरेंट में पता लगाया क्या अवेलेबल है, तो वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थी, नॉन वेज ऑप्शंस भी थी, तो मुझे लगा अब यहाँ की फ़िश फेमस है, यहाँ मतलब इस रीजन की फ़िश फेमस है, तो बेटर है हम फ़िश ही ले लें। तो मैंने अपने लिए रोहू फ़िश मंगाई है। ये है जी रोहू फ़िश करी की एक प्लेट, इसमें चार पीस है। करी अच्छी बनाई है, फुल ऑन मसालेदार है। करी के अंदर ना सरसों का तेल बहुत डोमिनेट कर रहा है। फिश का टेस्ट भी बहुत मस्त है, ओवरऑल गुड है। अब एक काम करते हैं, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि सुबह रांटी गांव जाएंगे, फिर हम लोग राजनगर जाएंगे, और ऐसा करते करते शाम तक हम जनकपुर पहुंच जाएंगे, मतलब मधुबनी लौट कर आएंगे, फिर जनकपुर निकल जाएंगे। अब हमारी आपसे कल मुलाकात होगी, जो कल की जर्नी है वो ऑब्वियसली आप अगले एपिसोड में देखोगे। फिलहाल आपको बाय बाय कर देता हूँ, थैंक्स फॉर योर टाइम।